बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का ब्लॉग है बार्सिलोना के किले का, जिसे कस्टल मंजुई कहते हैं। काफ़ी बड़ा किला है, वो किला है वो पहाड़ के टॉप पे, और वहाँ से पूरा समुंदर नज़र आता है नीचे, सी पोर्ट और पूरा समुंदर नज़र आता है, एयरपोर्ट वगैरह। तो उस किले को काफ़ी संभाला हुआ है इन्होंने। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, बहुत पुराना किला है वो। ये एक साइड इसकी, ये सारा किला, ये इसका, ये इसके एंट्रेंस और सामने मेन गेट। ये अपना फन दिखा के तो मांग रहा है। ये इसका मेन गेट है, दीवारों पे बेले हैं देखें। ये पूरा ऊपर उठ के क्लोज हो जाता है। ये किला है, काफ़ी बड़ा किला है ये भी, लेकिन पाकिस्तान शाही किला वो बहुत ही बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है उससे छोटा है किला, लेकिन उन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है। 5 है इसकी एंट्रेंस है, ये इसका नक्शा, ये नक्शा है पूरे किले का। मैं इस टाइम खड़ा हूँ यहाँ पे, ये इसकी ये छत है, और ये यहाँ पे हाल वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसकी लिखी हुई है कुछ डिटेल, और इस किले के कॉर्नर पे खड़े होके ये व्यू नीचे नज़र आता है पूरा, सी पोर्ट और समुंदर। वो जहाज़ जा रहा है इस तरफ, आगे एयरपोर्ट है, और ये सारा नीचे सी पोर्ट। ये नीचे सी पोर्ट, काफ़ी संभाल के रखा हुआ है इन्होंने किला। और टूरिस्ट आते हैं और इसको देखते हैं आके, पाकिस्तान में किले को पूछता ही नहीं है, किले का बुरा हाल हुआ है वहाँ पे। अब शायद थोड़ी सी उसकी केयर कर रहे हैं। यहाँ से खड़े होके नीचे देखने का, दीवार देखे इसकी कितनी मोटी मोटी दीवार। वो सामने सी पोर्ट की एंट्रेंस और एग्जिट बनी हुई है। वो सामने वाइट कलर का ब्रिज है, वो ब्रिज खुलता है, वो सीधा ऊपर की तरफ खुलता है ब्रिज, आधा दूसरी साइड पे चला जाता है, आधा इस साइड पे आ जाता है जब कोई बड़ी शिप गुजरनी होती है। और वो सामने W होटल। ये ऊपर रूम है जहाँ पे मिलिट्री वाले रहते थे इनके, और ये इसकी एंट्रेंस, इसको पातियो दे आर्मो कहते हैं, पातियो दे आर्मोस। ये दरवाज़ा बंद हो जाता था, लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। ऊपर हाल है तो उसमें कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने बनाए हुए।
कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, हाल बने हुए हैं, इस हाल के अंदर देखते हैं क्या क्या। ये भी बंद है, नंबर लिखे हुए हैं लेकिन बंद है। पुराने ज़माने का लोग फनूस। ये हाल खुला हुआ है, इस हाल में क्या है? ये इन्होंने कुछ लोहे का बना के रखा हुआ है, कुछ ऐसा फ्रेम, लेकिन इसको जब शीशे में से साइड से देखते हैं तो ये स्टार लगा, स्टार बना हुआ है। ये स्टार लगता है जब इसको साइड से देखते हैं। वैसे लोहे के ये राड बस वेल्ड हुए हैं। ये भी बंद, ये भी बंद। ये सुरंगे और दीवारें चेक करें कितनी मोटी मोटी हैं। ये दीवार, ये खुला हुआ है एंट्रेंस। और ये इनके पुराने ज़माने की जो चीज़ें निकली हुई हैं, ये वो हैं, इसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। और ये मैप बना हुआ है। यहाँ पे भी प्रोजेक्टर चल रहा है। ये नीचे सारा बार्सिलोना और ऊपर किला। और ये इसका मैप बना हुआ है। ये इनकी उस वक़्त की ये तलवारें लड़ाई के लिए, नेज़े, पिस्तौलें हैं, कुछ बंदूकें बड़ी हुई हैं। ये सुरक्षा कवच, हेलमेट, कुल्हाड़ी, पिस्तौल है। ये वीडियो चल रही है जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी इनकी, उसकी वीडियो बनी हुई है। ये इनकी लड़ाई हुई थी तो उसकी वीडियो बनी हुई है, उसकी वीडियो इन्होंने बनाई हुई है कि कैसे फाइट हुई थी। और जो इन्होंने औजार पकड़े हुए हैं और जो इन्होंने पिस्तौले, नेज़े वो पकड़े हुए हैं, वो पीछे पड़े हुए हैं, शो पीस रखे हुए हैं, वो इन्होंने सेव करके रखे हुए हैं।
जो ये सामने स्क्रीन चल रही है, जो लड़ाई हो रही है उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी इस किले में, वो ये पड़ी हुई है। उसमें से कुछ चीज़ें ये पड़ी हुई हैं। ये वीडियो लगी हुई है इसकी, मंजूरी की, किले की वीडियो। इसकी इबारतें लिखी हुई हैं ऊपर, ये इसकी कुछ तारीखी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमें नहीं पता। ये किला तकरीबन 450 साल पुराना किला है। ये उसकी तस्वीरें लगी हैं सारे किले की। जब इसको बनाया जा रहा था ये किले का ऊपर से लिया गया व्यू, ये ऊपर से लिया गया व्यू है किले का। यहाँ पे कुछ ये प्लेटें लगी हुई हैं और लाइटें चल रही हैं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं इनके जो कॉइन हैं। नीचे वो हाल और जिसे स्पेनिश में साला कहते हैं और हाल कहते हैं, और ये बार रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ये वो गाइड कर रही है लड़की। और ये यहाँ पे खुला सहन, और ये कुआं, ये पुराने ज़माने का कुआं, उस वक़्त का कुआं है यहाँ का। बंद कर दिया हुआ है, नीचे पानी है लेकिन बंद है। ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अंदाज़ा करें यहाँ पे कुआं है। समुंदर आपने देखा जो कि बहुत नीचे है, और ये पहाड़ के ऊपर किला बना है, वहाँ पे पानी ही आ रहा है। चारों कोनों में ये लाइटें लगी हुई हैं इनके। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ऊपर चलते हैं। और ये मैं आ गया ऊपर, ये ऊपर वाला छत। ये सारा किला है, ये किले का हिस्सा है सारा ये पीछे। और ये आगे हम दूसरी साइड पे, ये भी किले का सारा हिस्सा, वो सामने कमरे। वो सारा किला, वो वहाँ का किला है।
यहाँ तक किला और वो नीचे सारा बार्सिलोना। वो सामने वो तीबी दाबू, वो भी चर्च है बहुत बड़ा। तो ये किला है गाइस, और वो नीचे सारा बार्सिलोना, वो सारा नीचे बार्सिलोना, और वो सामने तीबी दाबू चर्च, उस चर्च पे गए थे हम, वो सामने चर्च है और ये सारा नीचे बार्सिलोना। और मौसम ठंडा है, धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन मौसम ठंडा है, जैकेट पहनी है। धूप काफ़ी तेज़ है और ये इन्होंने और ये इसको मीरामार कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सारा समुद्र नजर आता है और ये सबसे ऊंची जगह है। और वो ऊपर स्लीव बना हुआ है इनका, कृष्णों का। ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, ऊपर सिर्फ टूरिस्ट के साथ जा सकते हैं स्पेशल दिन में, नॉर्मल ऊपर वो गेट बंद है। ये जेल है इसकी, मंजुई की जेल, यानी ये खिड़की है, ये विंडो है, लेकिन ये बंद की हुई है इन्होंने। ये गेट है इसका, यहाँ से लेके जाते थे कैदियों को अंदर, छोटा सा गेट है। और ये अंदर देख, अंदर लाइट चल रही है, और वो दरवाज़ा, ये कैदी अंदर बंद है। इस तरह की जेल है, ये जेल, और ये लिखा हुआ है इसके बारे में सब कुछ 3-4 जुबानों में। ये एक दरवाज़ा, ये जेल अभी बंद है। ये भी नीचे किले का हिस्सा है सारा, जो ऊपर से मैंने दिखाया था वो हिस्सा ये वाला है, छुपने के लिए जगह या कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। ये गेट है, इसके अंदर कुछ है, देखते हैं क्या है। ये कुछ, ये इन्होंने नक्शा बनाया हुआ है इसका, स्लीप लगाई हुई है, बंदे खड़े हैं सारे, और नीचे कोई बादशाह या कुछ। कोई है नीचे, सारा देख लें, और ये सारी डिटेल।
تین دراز اس طرف اور تین دراز اس طرف بنائے ہیں. یہ کوئی ان کا بادشاہ یا کوئی پتہ نہیں کون ہے لکھا ہوا ہے ادھر, اس کی انہوں نے یہ مورتی بنائی ہوئی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو قبریں بناتے ہیں وہ قبروں کے اوپر اس بندے کا پتلا بھی بنا دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتلے. آپ کو قبرستان کا وزٹ کرواؤں گا. منجوئی ہے اس قلعے پہ بہت بڑا قبرستان ہے, بارسلونا کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہاں پہ منجوئی کے اوپر اس قلعے کے ساتھ ہی. آپ کو اس کا اسپیشل وزٹ کرواؤں گا. آپ سوچ رہے ہوں گے قبرستان کا کیا وزٹ کروانا ہے, لیکن وہ بہت بڑا قبرستان ہے اور قبرستان کم اور گھومنے والی جگہ زیادہ لگتی ہے, تو آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گا. اور یہ اس کی انٹرنس, اس کا کچھ یہ لکھا ہوا ہے ان میموریا دے کوانتس فویرو, اسپینش میں لکھا ہوا ہے. یہ کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں کچھ. دونوں طرف اور وہ پیچھے پتہ نہیں کیا ہے. یہ اسپین میں یا بارسلونا میں بہت پرانی پرانی بلڈنگیں اور ان کی بہت پرانی ہسٹری کے مطابق کافی کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اوپر سلیپ بنا ہوا ہے. ایک کنواں یہ بھی ہے, ایک کنواں قلعے کے اندر اور ایک یہ تھوڑا سا باہر گندا ہوا ہے, بند ہے جالی, پانی وغیرہ نہیں نکالتے لیکن پانی ہے اندر. یہ اس قلعے کی انٹرنس ہے, یہ باہر والی اس کی دیوار اور یہ نیچے کچھ پھول اور یہ گارڈن انہوں نے بنایا ہوا ہے بہت پیارا سا. کیاریاں بنائی ہوئی ہیں نیچے, یہ چیک کریں نیچے کتنا پیارا بنایا ہوا ہے. اور یہ پوری بیل لگی ہوئی ہے, پوری دیوار پہ بیل. اور یہ پل بنا ہوا ہے, اس پل سے گزر کے تو وہ مین گیٹ ہے اس کا. یہ اس کا مین گیٹ, یہ دروازہ لکڑی کا ہے آگے اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف بند ہو جاتا ہے تو گیٹ کلوز ہو جاتا ہے. یعنی ڈبل سسٹم ہے, گیٹ بھی کلوز کر سکتے ہیں اور نیچے جو وہ لاسٹ والا یہ ہے یہ پل, یہ سنگنی اٹھاتے ہیں تو یہ پورا بند ہو جاتا ہے. اور وہ سامنے بھی دیکھیں, وہ بھی ساری دیوار قلعے کی اور نیچے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں اور دیوار پہ یہ دیکھیں پوری بیل لگی ہوئی ہے. یہ اپنا فن دکھا کے مانگ رہا ہے. وہ نیچے ایک توپ لگی ہوئی ہے, دو تین توپیں اس طرح لگی ہوئی ہیں. یہ بارسلونا کا جھنڈا. تو گائز یہ تھا آج کا ولاگ, کسٹل منجوئک یعنی قلعہ. کافی چیزیں اندر انہوں نے بند کی ہوئی ہیں جیسے جیل, اس کے علاوہ اور بھی کافی حال ہیں جو انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آپ کو میں دکھا سکا. جو جو اوپن تھا یا جو جو چیز تھی وہ آپ کو دکھا دی. تو یہ تھا آج کا ولاگ. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.